तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेप 2000 में हम फ्रेम के एनालिसिस किस तरह करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना सेप 2000 ओपन करेंगे। सेप 2000 ओपन करने के बाद हम जाएंगे न्यू मॉडल पे। न्यू मॉडल में जाने के बाद या ना आप अपने मॉडल के हिसाब से यूनिट की सिलेक्शन कर सकते हो। मेरे पास किप किट में एंड देन ग्रिड की सिलेक्शन करेंगे। मेरे पास एक्स डायरेक्शन में 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। 3 ग्रिड है तो मैं 3 लगाऊंगा। मैं वाई को लेता हूँ 1 एंड जेड हमारे पास है 3। 1 पॉइंट, 2 जिसपे पॉइंट लॉ डिटेक्ट कर रहा है एंड 3 इसका एंड पॉइंट। देन हम इसकी ग्रिड स्पेसिंग बाद में एडिट कर सकते हैं। देन ओके, अब हमारे पास एक्स जेड प्लेन रेडी हुआ फ्रेम ड्रा करने के लिए। अब सबसे पहला काम हम इसकी ग्रिड स्पेसिंग को करेक्ट करेंगे। देन यहाँ से मॉडिफाई शो स्टेम। अब फर्स्ट ग्रिड हमारे पास पॉइंट ए 0 पर है एंड देन पॉइंट बी जो कि हमारे पास 10 फीट पे है एंड देन पॉइंट थ्री हमारे पास है 10 फीट। आफ्टर देन हम जेड एक्सिस में जाएंगे। 0 फीट पे है पहला पॉइंट। जेड टू हमारे पास जिस पे पॉइंट रोटेट कर रहे हैं वो 8 फीट पे है एंड जेड थ्री हमारे पास 16 फीट पे है। आफ्टर देन हम ओके करेंगे। अच्छा, हमने पॉइंट सी में ये हमारे पास 20 फीट पे ख़त्म हो रहा है तो वो हमारे पास 20 फीट पे है एंड देन ओके। अब हमारे पास ग्रिड स्पेसिंग भी डन हो गई। हम इसे थोड़ा जूम इन करते हैं। देन आफ्टर देन हम इसका जो फ्रेम का जो सेल्फ लोड है इसे हम 0 करेंगे। डेट पे जाएँ एंड देन 0 एंड मॉडिफाई लोड पे ट्रेन एंड देन ओके। अब हमारे पास जो फ्रेम है उसका सेल्फ लोड भी 0। आफ्टर देन हम अपना फ्रेम ड्रा करेंगे। अब हमारे पास फ्रेम ड्रा हुआ। फ्रेम ड्रा करने के बाद हम इसको सपोर्ट असाइन करेंगे। साइन पे जाएंगे, जॉइंट, रिस्ट्रेंट एंड देन यह हमारे पास फिक्स सपोर्ट है एंड देन ओके। अब इस पॉइंट पे हमारे पास हिंज सपोर्ट है। साइन पे जाएंगे, साइन पे जाएंगे, जॉइंट, रिस्ट्रेंट एंड देन हिंज एंड देन ओके। हमारे पास हिंज सपोर्ट भी इसमें प्लेस्ड हुआ। आफ्टर देन हम इसको लोड असाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जेड टू पॉइंट पे हमारे पास एक पॉइंट लोड है जो कि 6 की किप है एंड देन इसके लिए हमें साइन पे जाएंगे, जॉइंट लोड फोर्सेस एंड देन यानी वो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो हम एक्स एक्सिस पे क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे एंड देन ओके। अब हमारे पास पॉइंट लोड प्लेस हुआ। इसके बाद हम जो हमारे पास ग्रिड ए भी है इसमें हमारे पास 6 5 की पर फिट हमारे पास यूडीएल लग रहा है। फ्रेम लोड पे जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। आफ्टर देन वो हमारे पास जेड डायरेक्शन में है, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में। आप इसकी जगह ग्रेविटी लोड, ग्रेविटी डायरेक्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं तो उसमें आप सिर्फ 5 पुट करोगे। मैं नेगेटिव जेड लेता हूँ इसलिए मैं -5 पुट करता हूँ। आफ्टर देन ओके, हमारे पास यूडीएल भी प्लेस्ड हुआ। अब एट ए टाइम हमारे पास पॉइंट और यूडीएल शो नहीं हो रहे इसलिए हम डिस्प्ले में जाएंगे, शो लोड असाइन एंड देन फ्रेम केबल्स। अब हम ओके करेंगे एंड अब हमारे पास पॉइंट और पॉइंट लोड और यूडीएल एट ए टाइम सी हो गए। आफ्टर देन हम अपने मॉडल को अपने पास सेव करेंगे। उसके लिए हम सेव में जाएंगे या कंट्रोल एस। अब मैं इस प्रोजेक्ट को अपने पास सेव करता हूँ। इसको नाम देता हूँ मैं फ्रेम ट्यूटोरियल एंड देन सेव। अब प्रोजेक्ट हमारे पास सेव हुआ। सेव करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। रन में जाएंगे एंड देन रन नाउ। अब हमारा प्रोजेक्ट रन होगा। प्रोजेक्ट रन होने के बाद अब हम डिस्प्ले में जाएंगे एंड देन शो फोर्सेस एंड स्ट्रेस फ्रेम केबल्स। अब शेयर फोर्स को देखने के लिए शेयर टू टू पे जाएंगे एंड देन शो वैल्यू ऑन डायग्राम ओके।
हमारे पास फ्रेम का शेयर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। एंड देन अब बेंडिंग मोमेंट के लिए हम इसी तरह शेयर फोर्सेस पे जाएंगे एंड देन फ्रेम केबल्स। अब इसमें हम मोमेंट 3:3 सेलेक्ट करेंगे एंड शो वैल्यू ऑन डायग्राम। हमारे पास का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह डिस्प्ले हो रहा है। सो हम इस तरह किसी भी फ्रेम को एनालिसिस सेप 2000 में कर सकते हैं। आफ्टर देन अगर आप इसका शेडेड वैल्यू चाहते हो तो आप फ्रेम में जाओगे एंड देन यहाँ से आप फिल डायग्राम करोगे तो उसका शेडेड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको नजर आएगा। थस इजीली हम इस तरीके से किसी भी फ्रेम की शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर सकते हैं और इसके एनालिसिस सेप 2000 में कर सकते हैं।